अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फुल्की पानी, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये रेसिपी अफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है चने का बेसन, चने एक कप चने का बेसन लिया था, इसको अच्छे से छान लिया था। उसके बाद मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही डालना है और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें स्पून की हेल्प भी ले सकती हैं, लेकिन अगर हम बैटर वगैरह बनाते हैं तो हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए हाथों का इस्तेमाल करने की। तो मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 पिंच खाने का सोडा, यानी खाने का सोडा नहीं, मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 पिंच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। बस इसके अंदर जो बबल्स होगा उसे ख़त्म करेगा और काफ़ी सॉगी बनाएगा, स्पंजी बनाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर इस स्टेज पे आप चाहें तो बीटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है मैं हाथों से करूँगी क्योंकि हर घर में बीटर नहीं होता है। इसलिए मैंने इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है, आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है, 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पानी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप इमली का पल्प लिया था, 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्च, हरी मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। और इसे बंद करेंगे और 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो जाए। तो दोस्तों, इसे एक साइड पे रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, चेक करते हैं 10 मिनट बाद, ये बैटर जो है काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आपको डार्क लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकती हैं, ये काफ़ी सही है, ऐसे ही बैटर चाहिए। मैंने इतना ज़्यादा मिक्स किया था, आप इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है, तो इसी तरह चाहिए। गैस पे मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि अच्छे से गर्म हो गया था। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, अब उसमें मैंने स्पून की हेल्प से इसे डाल दिया है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, अगर आपसे हाथों से नहीं हो रहा है तो आप स्पून से कर लीजिए, मैं तो इसे हाथों से करूँगी क्योंकि ये करने में मुझे हाथ ही से आसानी लगती है और इसलिए हाथों से काम जल्दी हो जाते हैं, स्पून से थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं हाथ से करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से डाल दिया है जितना पैन में स्पेस था, अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बढ़िया जो है बहुत ही मज़े की लगती है और काफ़ी सॉफ्ट बनती है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप इसका कलर देख सकते हैं और ऑयल के ऊपर आ गई है, इसका मतलब है कि काफ़ी हल्की बनी है और अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। तो चलिए, अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में पानी रख दिया था 1.5 कप के करीब, और जो अभी मैंने चटनी का मसाला तैयार किया था उसे डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर फुल्कियाँ ऐड कर दी हैं, 1 बारीक चौकी हुई प्याज और कुछ प्याज मैंने राउंड कट कर लिया है, आप अपने हिसाब से प्याज ऐड कर सकती हैं जैसे कि आपको पसंद हो। और पानी जो मैंने लिया था ये नॉर्मल पानी है, मैंने कोई गर्म वरम पानी नहीं लिया था और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी था। उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है हरा धनिया, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा, काफ़ी सिंपल है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे कवर कर दिया था और 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख दिया था फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, 10 मिनट बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से फूल गई है।
पानी को अच्छे से एग्जॉर्ब कर ली है। तो अब चलिए दोस्तों इसे कर लेते हैं सर्व और टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी अच्छी बनी है और अंदर से काफ़ी स्पंजी है और पानी को जो है अच्छे से ड्राई कर लिए। खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो दोस्तों आप लोग भी बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।